हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है गोवर्धन, तो गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो अभी मैं उठा था, थोड़ा लेट ही उठा था, क्योंकि रात को लेट ही सोए थे। तो 10 बज गए थे उठते उठते। तो उठते ही जो है मम्मी ने जो है मुझे थैली पकड़ा दी है और कहा कि इसके अंदर गोबर लेके आना, क्योंकि गोवर्धन बनाने की हमारी प्रथा होती है सब की। तो गोबर लेने चलते हैं, अब देखते कहाँ से मिलेगा गोबर। तो गोबर लाने के बाद फिर हम गोवर्धन बनाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। और विहान वान्या इसलिए नहीं दिख रहे आज क्योंकि इनकी क्लास चल रही है, 2-3 दिन से उनकी छुट्टी थी। तो अभी उनकी क्लास चल रही है, होम ट्यूशन की मैडम आई हुई है, तो 12 बजे उनकी क्लास खत्म होगी। और चलिए फिर चलते हैं, स्कूटी पे चलेंगे और गोबर लेके आते हैं। स्कूटी की चाबी हमने उठा ली है, चलो फिर चलते हैं अभी स्कूटी पे गोबर लेने। और ये कुछ बहाने का सामान भी है दिवाली का, इसमें हम नहर को बहाते हुए जाएंगे, ये भी ले लेते हैं साथ में। स्कूटी हमारी खड़ी है यहाँ, और ये बड़ी ही मस्त धूप खिली खिली सी है, और लेकिन थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है स्कूटी पे, लेकिन मज़ा आ रहा है। तो अभी हम आ गए हैं नहर पे और सबसे पहले बहाते हैं फूलों की माला, 3-4 फूलों की माला है इसके अंदर, चलो एक एक करके बहाते हैं। लेकिन अब आप सभी से अनुरोध है कि फूल माला दिए भी है तो आप बहा सकते हैं, लेकिन पन्नी वन्नी ना डालें, पॉलीथीन ना डालें, पॉलीथीन भारी रहने दें। एक एक करके हमने मालाएं डाल दी हैं और अब डालते हैं सारे दिए जो मिट्टी के हैं, जो ज़्यादा नुकसान भी नहीं करेंगे, और मिट्टी तो पानी के अंदर घुल जाती है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। तो ये है रास्ता डेयरी पे जाने का, जहाँ पे कई सारी 25-30 गायें भैंसे बंध रही हैं। मैं बहुत पहले आया था हरबरी में, वहीं यहीं से यहीं आता हूँ हरबरी। तो अब पूरा एक साल बाद आ रहा हूँ यहाँ पे ना, सिर्फ गोबर लेने आता हूँ यहाँ पे। तो ये नहर के साथ साथ ही रास्ता है, यहाँ पे थोड़ा कच्चा रास्ता है। तो 1 किलोमीटर चलने के बाद आगे एक डेयरी आएगी, वहाँ से हम लेंगे गोबर। और ये हम पहुँच गए हैं डेयरी पे, लेकिन यहाँ पे तो हमारा पोपट हो गया, यहाँ पे तो गाय के बच्चे ही हैं 2-4। यहाँ एक भैया थे, भैया से हमने पूछा कि गायें भैंस कहाँ गई, तो उन्होंने कहा कि उनको कहीं और दूसरी डेयरी में शिफ्ट कर गया, अभी कल ही कराया शिफ्ट उन्होंने। तो गोबर तो हमें मिल गया यहाँ पे, भैया को रिक्वेस्ट करते हैं कि गोबर को हमारी पन्नी में डाल दें। तो दोस्तों गोबर तो हमने ले लिया है 2 थैलियों में, एक विहान वान्या की बुआ के लिए और एक हमारे लिए। तो हम आ गए हैं अपने घर, चलो अब चलते हैं अंदर। वान्या की हो गई है क्लास पूरी, अभी भी मैडम गई है और ये आती है, देखो फ्रूटी का मज़ा लेती हुई और देख रही है हमारा ब्लॉग, दिवाली ब्लॉग। तो गोबर तो आ गया था, तो बनाएंगे गोवर्धन महाराज जी। वैसे तो मम्मी बनाती है, लेकिन इस बार बनाऊंगा मैं। मैंने जो है इसमें एक हाथ पे ग्लव्स पहन लिया है, ग्लव्स क्या पन्नी है ये तो देसी ग्लव्स है। यहाँ पे श्रृंगार के लिए सामान भी हमारे पास, रंगोली भी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने तरंग लाई और हमने गोवर्धन तैयार कर दिया। चलो अब टाइम हो गया है गोवर्धन पूजा का, तो हमने तो गोवर्धन बना लिया, अब इनको पूरा तो श्रृंगार भी हो गया है। और सोनिया और दादी वानू बैठ गए हैं, तो लोग पूजा स्टार्ट करते हैं। तो गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन की पूजा हो गई है, सबने खाना वाना खा लिया है। तो आज हमारे साथ हैं विहान और वान्या की बुआ, सारी की सारी आज इकट्ठी हुई है। तो ओकेजन तो बता ही दिया बड़ी बुआ ने कि क्या है, सीजर भी आया है साथ में,
तो भैया दोज कब से स्टार्ट है भाई? आज 2 बजे शुरू हो चुका है और कल 12 बजे तक है, तो हम कल मॉर्निंग में मनाएंगे। 12 बजे तक है? हाँ। तो नीशु भी आया। हेलो फ्रेंड्स। तो सारे भैया दोज पे ओकेजन पे आज आए, तो कल ही जाएंगे सुबह सुबह, क्योंकि कल मेरे को भी ऑफिस जाना था। हम सबको जल्दी जल्दी उठ के जल्दी जल्दी तैयार होने हैं। तुम भी ऑफिस जाइए। ये देखो आराम से बैठा हुआ है। हेलो सीजर। हेलो सीजर। आ जा आ जा। ले ले बच्चा, चुप हो जा, चुप बच्चा, चुप। हेलो गुड मॉर्निंग। अब है नेक्स्ट डे, तो आज है भैया दोज और आधे घंटे में सब लोग तैयार हो गए। हेलो गुड मॉर्निंग। सिर्फ आधे घंटे में, क्योंकि आज ऑफिस भी जाना था, तो इसलिए सब जल्दी जल्दी तैयार हो गए।